सुखदेव मणि के राजा परीक्षित
एक समय के बाद भगवान शंकर के मन में इच्छा होते थे, चलो मैं राम की कथा ला सुन ले। भगवान शंकर एक करोड़ रामायण लिखे शतकोटि अपार, एक करोड़ रामायण लिखी भगवान शंकर। तब बोले भगवान शंकर के मन में होते कि मैं राम की कथा ला खुद जाके सुन ले, तो दूसर के मुख से खुद लिखे रामायण भगवान शंकर और खुद दूसर के मुख ले सुन लेते हैं। ऐसे मन में इच्छा हो गई भगवान शंकर का। तो आज भगवान शंकर कौन समय के बात है, त्रेता युग की कथा सुना देते हैं। त्रेता युग, एक बार त्रेता युग माही संग गए कुंभज ऋषि पाही, तो संग सती जग जंती भगवान पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाए। त्रेता युग में एक बार भगवान शंकर राम की कथा ला सुने, जग के जननी जगत माता सती लल्ले कहाँ जावत है, कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए भगवान। भगवान शंकर माता सती ला देखे कुंभज ऋषि बैठे रहे खड़ा हो, और खड़ा हो के दोनों हाथ जोड़ गए भगवान शंकर के प्रणाम करते, पाँव फरक रहेगा। जल देखते सती सती विचार करते, देखते मोर भोले ला ये कथा सुन यहाँ के कहा है, अब खुद कथा सुनाने वाला हाथ जोड़ के आदमी भोले के पाँव परत तो काला कथा सुनाई, उल्टा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तनका कथा सुनाई मोर भोले ला। मन में शंका हो गई प्रेम सज्जन, शंका सती के मन में कथा में नहीं लगी थी। आज भगवान शंकर एक आसन लगा के कुंभज ऋषि के मुख से भगवान राम की कथा सुनाई। कथा जब समाप्त तो होते तो भगवान शंकर विदा मांगते, मुनि चंद विदा मांगते पुरारी और चले भगवान संगत अक्ष कुमारी। तुलसीदास सती के पद लग सती का की चौपाई में जग जन जगत के माता की दूसरा चौपाई में कहा।